नहीं, मेरा कोई आंकड़ा नहीं जी, मैं तो सिर्फ अपना ये समझदा कि जिहड़े MLAs ते MPs ने, ठीक है असीं पार्टियां दे नाल बज्जे होए आ, बट कुछ हद तक देश का राष्ट्रपति चुन जा रहे हैं। जे तुसीं अपनी कॉन्शियस की आवाज़ सुनोगे तो मैं दावे ना कह सकता कि यशवंत सिन्हा एक बहुत बेहतरीन कैंडीडेट ने, बहुत एक्सपीरियंसड ने, बहुत एजुकेटड ने, वाइडली एक्सैप्टेबल और अपने देश को रिप्रजेंट कई थावां ते इंटरनेशनली भी कर चुके हैं। सो मेरी तो अपील होना वास्ते मैं वोट उन्होंने पा के आया और उम्मीद यही करा जो तुम अपने कैंडीडेट को वोट पाने हो यही उम्मीद करते कि तुहाडा ही कैंडीडेट जिते। जेकर असीं घट गिणती की गल कर लीए तो बेशक एनडीए का उम्मीदवार कितना कितना घट गिणतियां च नज़र आ रहा है उपराष्ट्रपति का, और जिस तरीके नाल जगदीप धनखड़े का नाम आया तुहानूं की लगता है की जिहड़ी मोहर लग रही? मेरा ख्याल है कि ये जिहड़े लेवल के अहुदे ने प्रेजिडेंट का और वाइस प्रेजिडेंट का, दिस हैज़ टू बी प्योरली ऑन मेरिट। ये जात पात धर्म ये तो फिर बहुत छोटे लेवल की पॉलिटिक्स है। मैं समझता बिकॉज वाइस प्रेजिडेंट होवे या प्रेजिडेंट होवे, प्रेजिडेंट जिहड़ा साडा वो आर्म फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर भी है। ही हैज़ टू बी वट शुड आई से वेरी वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड परसन टू एक्सरसाइज हिज पावर्स। बहुत लोगों नू कैपिटल पनिशमेंट चो फैसला करना, देश के होर इंपोर्टेंट इशूज के उत्ते उन्होंने डिलीबरेट करना। सो मैं समझदा कि ये इस लेवल पर घट गिनती वध गिनती, ये काबिलियत मेरिट सब तो बड़ा आधार होना चाहिए। मैं उन्होंने कोई दूजा बयान नहीं सुनया है तो ना मैं उस बयान दे विच कोई कॉन्ट्रोवर्सी पैना चाहना, उन्होंने पूछ सकता अपना पर्सनल ओपीनियन होगा, लेकिन एक गल कहन कुछ शक शुभा थोड़ो कि शहीद भगत सिंह अपने इस देश का एक कौमी हीरा वा। सो अगर किसी का अपना कोई पर्सनल ओपीनियन, आई कैनॉट चेंज दैट।